राधे राधे। अरे डब्बे कहाँ से निकाले? स्टोर से। तो जी अभी बजे हैं रात के 11:30 और अभी मैं अपना पिटारा लेके बैठी हूँ क्योंकि कल है जन्माष्टमी और मेरा अभी तक भगवान जी का आसन ही रेडी नहीं है। तो अभी मैं यही कुछ डिब्बे और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं जो मैं पहले ही मीशो से मंगवा लिया था, तो वो सब लेकर बैठी हूँ। यहाँ पे लेस भी है। ये फ्लावर्स तो लास्ट टाइम भी थे? नहीं, अच्छा ये इस बार मंगवाए हैं। थोड़ा सा ज्यादा मैंने मंगवा लिया था कि गणपति में भी काम आ जाएगा डेकोरेशन में। ऊपर चल रही है स्त्री टू जाने का। गिफ्ट पैक थोड़ी करना है इसको। तो क्या करना है इसमें, तो ऊपर अभी वो लेस लगेगा। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हो? स्त्री ओ स्त्री कल आना। ये बताओ तुम्हारे स्कूल डैडी बच्चे अगर देखेंगे ना ये व्लॉग कहेंगे साला इससे अच्छा तो हम बना देते। चलो 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 आओ। बहुत सारे हैक देखे होंगे इस तरह के, बट ये वाला हैक पहली बार देखा होगा कि लेस आप चिपका रहे हो वो भी इस तरह के टेप से 3M से। The next morning. तो यहाँ मेरी डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी बस यहाँ पे थोड़ा सा मोर पंख जो हम लोग लेकर आए उसको यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ लगा देंगे। ये सब डिपार्टमेंट आकार का है और इसे भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, लाइट्स लगा दिए। यहाँ पे अभी लाइट्स भी लगनी है। अभी भगवान जी को भी यहाँ पे मैं स्थापित करूँगी, अभिषेक करूँगी, बट उससे पहले इनको देख लो। इनका चल रहा है यहाँ पे गोभी के पराठे का नाश्ता एकदम बढ़िया अचार के साथ। और यहाँ भी मैं भूखी हूँ, सुबह 6 बजे से उठी हूँ, पूरा सामान लेकर आई सब कुछ। और ये सब डिपार्टमेंट इनका था, इन्होंने कल मुझे कहा था कि मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। तुम पहले उठ के ले आए तो मेरी गलती है, मैंने तो बोला था मैं उठ के ले आऊँगा। उसमें नमक भी नहीं है गोभी पराठे में। गोभी के पराठे में नमक नहीं डाला था, हो सकता कम होगा। नहीं नहीं आराम से आप खा लो, फिर वो लाइट्स लगा देना प्लीज़। थोड़ा सा ना घर का सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे सोफ़ा आ गया क्योंकि ये एरिया हमने खाली कर दिया है, तो ये वाला बड़ा वाला ये यहाँ और छोटा वाला ये यहाँ। एंड इसे प्लीज़ इग्नोर कर दो। ये सारा डेकोरेशन का जो भी सामान था वो सब मैंने निकाला था अंदर से, तो वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। A few moments later. तो आज मैंने जन्माष्टमी के लिए मेरी ये वाली साड़ी सेलेक्ट की है। ये साड़ी ना मेरी बहुत स्पेशल है क्योंकि जब आकार मुझे देखने आए थे शादी से पहले तो मैं यही साड़ी पहना था मैंने, तो आज मैं वही साड़ी पहनने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद, बहुत दिन से रखी थी, साड़ी पहनना होता ही नहीं है, तो इसी फेस्टिवल्स के बहाने ही सारी साड़ियाँ यूज़ हो पाती हैं। तो फटाफट इसे पहनते हैं और हो जाते हैं रेडी जन्माष्टमी के लिए। सो गाइस फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी और आज मैंने इस साड़ी को थोड़ा सा अलग तरीके से पहना है। तो मैंने इसे ना थोड़ा सा लहंगे स्टाइल में पहना है। आई होप कि अच्छा लग रहा हूँ। पूरा लुक अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मुझे पता है गाइस नहीं, आज नो हेलो नो गुड मॉर्निंग नो गुड आफ्टरनून, सिर्फ
राधे राधे। सो गाइस, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को मेरी और आकार इवन मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा। हालांकि ये ब्लॉग तो कल रात में ही स्टार्ट हो चुका था, बट मुझे लगा कि अच्छे से प्रॉपर तैयार होके भी ब्लॉग स्टार्ट करना थोड़ा तो बनता है। सो अभी मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे करना है मेरे कान्हा का अभिषेक। क्या नए कपड़े लाए, अभिषेक। सारी पूजा की तैयारी हो गई है, उनके नए नए कपड़े भी मैंने दिखाने आपको अभी बाकी है। तो चलो करते हैं जन्माष्टमी में श्री कृष्ण का श्रृंगार। राधे 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 राधे। इतने क्यूट है देखो मेरे कृष्णा। यहाँ अभी करूँगी मैं इनका अभिषेक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको रखा है। और ये रही मेरी पूरी पूजा की तैयारी, पर अच्छे से दिखा दो। ये क्या मंगवाया? तो ये देखो, ये बहुत अच्छा है पंचामृत, हम लोग घर में बनाते हैं। बट इन केस अगर आपके पास सारी चीजें नहीं है, दही नहीं है या फिर शहद नहीं है, तो आप इस तरह से ब्लिंकिट से मंगा सकते हैं। बहुत सही मिला है, इसमें 5 है ये देखो, तो पूरा अलग अलग है। किसी में आई थिंक दही होगा, दूध होगा, शहद होगा, तो सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी। सो अभी बस मैं इसी से करूँगी मेरे कृष्ण जी का अभिषेक। बट सच्चाई ये है कि दूध, घर में दूध है, शहद है, सब है, लेकिन फिर भी ब्लिंकिट किया गया है, तो आप समझ सकते हैं आज ये आजकल ये ऑनलाइन वालों ने सब बेकार कर रखा है हिसाब किताब। हाँ, ये देखो कच्चा दूध भी आ गया। वही तो कह रहे, सब कुछ है घर में, लेकिन फिर भी ब्लिंकेट करना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन कम है ना ये? ठीक है, भगवान जी को वो करने के लिए सही है। मुझे लगा था सब में अलग अलग है, लेकिन ये सब में अलग अलग नहीं, 5 है, बट इसमें सारी चीजें मिक्स है। मुझे क्या क्या मिक्स है बता दो। इसमें भाई दूध, दही, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तुम छोड़ो। इसमें है काउ मिल्क, काउ मिल्क दही, मिल्क सॉलिड, शुगर, हनी स्टेबलाइजर और रितिका की मेहनत उसको खोलने की। ए रे सखे मोरे पिया घर आए, ए रे सखे मोरे पिया घर आए, भाग लगे से आगन को, भाग लगे से आगन को, अपने पिया के मैं बल बन जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को,
और इसके साथ ना ये पगड़ी भी है, बिल्कुल सेम सेम मैचिंग मैचिंग। तो अभी फटाफट इन्हें पहना देते भाई, बर्थडे है तो नए नए कपड़े पहनना तो बनता है। खड़े थे कान्हा के जन्माष्टमी के सुबह की आरती और उनका अभिषेक। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, थू थू थू, किसी की नजर ना लगे मेरे कान्हा को तो। और यहाँ पे इनके लिए मैंने यहाँ पे भोग भी रख दिया है, उनको जो पसंद आए। आई होप कि जो जो मैंने दिया है सब कुछ इनको अच्छा लगे। इनका फेवरेट माखन है, मिश्री है, यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट्स भी रखी है। भाई लड्डू गोपाल है हमारे, तो चॉकलेट्स तो देना बनता है, मिठाइयाँ है, फल है थोड़े बहुत, तो ये सब कुछ मैंने दे के इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया है, बिठा दिया है कि भाई आज आपका बर्थडे है, आज आपका दिन है, आप इंजॉय कीजिए, नए नए कपड़े पहन के बैठिए। सो बस अभी मैं भी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मैंने सुबह ही अभिषेक कर दिया है, तो मैं मेरे पास वो पीतल वाले लड्डू गोपाल है नहीं, मेरे पास ये वाले गोपाल है, तो मैं इनको सुबह ही अभिषेक करा करके नए नए कपड़े पहना के हर साल इसी टाइम पे बिठा देती हूँ। और इस टाइम पे मैं मिठाई और फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, और रात में 12 बजे इनके लिए मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ और वो उनको भोग लगाती हूँ और उनकी आरती करती हूँ। तो ये सुबह की आरती थी, पूजा थी जो आपने अभी देखा। अभी तो शाम की यानी रात में 12 बजे की उनके बर्थडे के टाइम की आरती और भोग बाकी है, जो कि अभी मुझे प्रिपेयर करना भी बाकी है।
खैर अभी थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, एक दो रील शूट करनी है वो भी फटाफट करते हैं, उसके बाद आकार को भी लंच देकर फिर मैं आराम से 3:30 बजे शाम के भोग की तैयारी शुरू करूंगी। 2 hours later. तो जी फाइनली आ गई हूँ मैं मेरी किचन में ठाकुर जी का भोग बनाने। 2 घंटे ना मैं मस्त सो गई थी खाना खा के, लग रहा था ना कि यार बस थोड़ी देर लेट जाओ, तो मैं सो गई एंड पूरा जब जगी हूँ ना पूरी एनर्जी के साथ आई हूँ, अब अच्छे से बिना थके पूरा भोग बना दूंगी। अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं मेरा आई होप कि 1.5 घंटे में या 2 घंटे में चलो सारा खाना बन जाएगा। तो चलो बताती हूँ कि आज मैं भोग में क्या क्या ठाकुर जी को देने वाली हूँ। तो मैं देने वाली हूँ आज पूड़ी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, मीठा पुलाव, उसके बाद स्वीट्स में मैं देने वाली हूँ आज खीर, वो भी चावल वाली। तो ये सारा सब कुछ आज मैं अभी बनाऊंगी। बहुत काम है आई नो, धीरे धीरे प्रिपरेशन मैंने शुरू भी कर दिए। रेडी हाँ, तो ताकि वो बिल्कुल अलग रहे, और उसे कुछ इस तरह से फ्रिज के ऊपर रख दे रही हूँ। तो अभी इसको भी रख देते हैं साइड पे, बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। तो ये कुछ मैंने इस तरह से रख दिया है। आज का लास्ट भोग बनके हो गया है रेडी। यहाँ मेरे मीठे वाले चावल या मिष्ठ पुलाव भी बनके हो गया है रेडी। अभी बस 12 बजे मैं गर्मा गर्म पूरियाँ तलूंगी। इसको कवर कर देते हैं। आटा मैंने ऑलरेडी लगा दिया है यार, क्या गर्मी है ना, दिमाग इतना खराब हो गया, थक के बिल्कुल चूर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैंने शुरू किया था 6:30 बजे प्रॉपर बनाना भोग, और अभी बज गए हैं देख लो 8:30, और बीच में मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक भी लिया था क्योंकि आकार को चाय वाय भी पीना था। सो थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, बट यार सब कुछ हो गया है 8:30 तक। अभी बस थोड़ा सा भगवान जी के उधर थोड़ा बहुत क्लीन कर लेंगे, नहा लूँगी मैं क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे मैं पूजा शाम को नहीं करूँगी, और उसके बाद 12 बजे अच्छे से भोग लगाकर हम लोग जाएंगे, हम लोग यानी मैं और आकार जाएंगे इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, हम लोग जाएंगे इस्कॉन मंदिर जो सोहना रोड के पास है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं अभी 9:30 बजे आराम से उठूँगी, नहाऊँगी, फ्रेशन अप होंगी, दूसरे कपड़े पहनूँगी, और फिर 12 बजे का वेट करूँगी। तो 12 बजे में बस 2-3 मिनट बाकी है, सो काउंटडाउन स्टार्ट करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जय श्री कृष्ण। Oh,
ठाकुर जी को अच्छे से मैंने भोग भी लगा दिया है, सब कुछ यहाँ पे रख कर अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। आकार बिल्कुल रेडी है, बस अभी तब तक कान्हा हमारे खाना खा लेंगे और हम लोग फटाफट होके आते हैं दर्शन करके। एंड इतना अच्छा वेदर हो गया ना, बारिश होना स्टार्ट हो गई है 11:30 बजे से ही, तो बिल्कुल जन्माष्टमी वाला ही फील आ रहा है कि हाँ कृष्ण जी ले रहे हैं जन्म एंड उसके लिए बारिश देखो। बढ़िया हो गई जन्माष्टमी ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि मतलब इतने पास से सब देखने को मिलेगा और केक और ये सब खाने को मिलेगा। कान्हा जी का केक बहुत मिल सही गया, समय पे हम लोग गए थे, उसमें भोग लग रहा था। थैंक्स टू अखिल ने हमें ये फ्लावर्स दिए, ये वहाँ चढ़ाए गए थे भगवान को। चलो चलते फटाफट घर। आ गए हम लोग घर एंड यार अब थक के ना बिल्कुल चूर हो गई, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना तो ब्लॉग करने की और ना ही डिनर करने की। मैं बस जाते समय प्रसाद थोड़ा सा खा के बस चली गई थी एंड सुबह से ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। भाई लंच पे मैंने विजय केले और दही खाया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया है, तो अब ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है। खैर आज का दिन तो बहुत अच्छा था, ठाकुर जी के इतना अच्छे दर्शन हुए ना इस्कॉन में, मज़ा आ गया था। सब लोग इतना झूम रहे थे ना कि मुझे भी लग रहा था कि यार मैं भी झूमूं उनके साथ, गाऊं उनके साथ, बहुत अच्छा लगा। तो खैर अभी करती हूँ इस ब्लॉग को यही एंड, एंड आई होप कि आप सबको मेरे साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करके अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, दोस्तों में ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्ण।